हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल माय वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। गाइस अगर आपको अच्छा लगा देन सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए। तो गाइस सबसे पहले आपको दशहरा की हार्दिक बधाइयां और आने वाली दिवाली के लिए आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत मैं थोड़ी सी बिजी थी अपने काम में और उसके बाद मेरी फिर पूजा वगैरह सब के लिए थोड़ी सी बिजी थी। आफ्टर मेनी डेज आई विल बैक माई चैनल। आज मैं आके लेकर आई हूँ आपके लिए नई रेमेडीज, नई चीज़ जो फ्यूचर टिप्स है। और आज जो मैं लेकर आई हूँ वो है स्किन टोनर, जो आपको फेस में लगाना है। आप इसको सुबह लगा सकते हो और अगर दोपहर में आप घर पे हो तब भी लगा सकते हो, या फिर आपको आप इसको इवनिंग को लगा सकते हो। इवनिंग को आप फर्स्ट टाइम जो जब इवनिंग का 5 PM समथिंग 6 PM ऐसा इस टाइम पे भी लगा सकते हो। इसके बावजूद भी आप रात को सोने से पहले भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एंड गाइस मैं आपको आज के बाद कुछ नई नई ब्यूटी टिप्स दूंगी और एडुकेशन का बाद में दूंगी, और जो भी ब्यूटी टिप्स दूंगी वो सारे नेचुरल होंगे और सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनका ही मिक्सचर होगा। आप इनको अच्छे से देख सकते हो और आई टोटली 100% श्योर इसका आपका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपको आएगा। इसको शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको और एक चीज़ बता देती हूँ। अगर आपको आपके पास कुंभार नहीं है तो आप टमाटो का इस्तेमाल कर सकते हो। टमाटो, सिर्फ टमाटो को काट के उसको आप चेहरे के दोनों हिस्सों को यूँ रगड़ सकते हो, ठीक है। पूरे इतना बड़ा सा एक टमाटो का हिस्सा लीजिए, इसको अच्छे से कम आधा घंटे इसको पेज मसाज कीजिए पूरे फेस पे। इसके आपको दो है, एक है आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो होने लगता है, और दूसरा अगर आपका डार्क सर्कल्स है उसमें तो वो काले दग वो बहुत जल्दी जाता है, जिसका मैंने खुद देखा। मैंने 2-3 पिंपल्स थे और मैंने सिर्फ टमाटो से उसको किया, और पहले तो बहुत करती थी, अब रिवीजी के चलते नहीं हो पा रहा है, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स मुझे मिला है। सो गाइज आई एम 100% श्योर कि आपका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट इसमें होगा। तो आज जो मैं जा रही हूँ बनाने वो है स्किन टोनर। स्किन टोनर आप इसको फेशियल पैक से पहले भी कर सकते हो, फेस पैक से पहले भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। ये आपको मैं बना रही हूँ कल इवनिंग तक का बना रही हूँ, तो मुझे एक तो चाहिए। मैं 2-3 बार लगा रही हूँ, मुझे स्किन पे थोड़ा सा 2-3 पिंपल्स आए हैं और उसके थोड़ा सा काला काला स्पॉट हो गया है, तो उस स्पॉट जो है ना उसको काले उसको हटाने के लिए मैं बता रही हूँ। पहले कुछ दिन मैंने टमाटो सिर्फ इस्तेमाल किया, अब मेरे पास जो कि टाइम थोड़ा सा है अब वेकेशन टाइम से, तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं इनका पेस्ट बना के स्किन टोनर बना के इस्तेमाल करूँगी। एंड आई होप 100% इसका रिजल्ट हो, क्योंकि पहले मैं इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करती थी और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। काम के चलते नहीं हो पाए, लेकिन अब फिर से उनको अपनाने लगी हूँ एंड आई होप बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। मेरे भी साथ में अगर आप लोग करते हो तो आपका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सो गाइज आज जो स्किन टोनर मैं बनाने जा रहे हूँ उसके लिए हमें चाहिए टमाटो, ठीक है, टोमेटो, कुकुम्बर और लेमन, ठीक है, ये तीनों। उसके साथ ये अगर आप देना चाहते हो तो इट्स ओके, नहीं भी देना चाहते हो तो भी इट्स ओके, बट मैं चाहूँगी दो इसको, अब बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आता है। तो ये है हनी, डबल हनी मैंने लिया। आपके पास जो भी हनी अवेलेबल हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने देखा आपने, मैंने इसको काट के ले लिया है। नींबू का मैं छोटा हिस्सा ही दूंगी और इसके बाद मैं जो हनी है हनी का 1 चम्मच यहाँ पे ले लूँगी, ठीक है। तो बस मैंने 1 ही चम्मच लिया है। आप चाहो अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो आप ज़्यादा ले सकते हो। मैं सिर्फ टुमोरो इवनिंग तक का ही बना रही हूँ, उसके बाद मैं फिर से नया बनाऊँगी। और मैं मुल्तानी मिट्टी का भी एक बनाने जा रही हूँ। मुल्तानी मिट्टी जो है बहुत अच्छा, आप सबको पता है, उसका भी बनाने जा रही हूँ, तो उसका बनाऊँगी नेक्स्ट में। तो इसलिए मैं घर में हूँ, जितने दिन भी हूँ उसका इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों पर नेचुरल तरीके से इस्तेमाल करूँगी, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको, इन तीनों का, सॉरी इसका नहीं, इन कुकुम्बर और टोमेटो का पेस्ट बना लेना, ठीक है। सो गाइस हम पेस्ट करके अभी आते हैं। सो गाइस हमारा पेस्ट ऑलरेडी रेडी है, मैंने पेस्ट बना दिया। आप इसको अच्छे से पेस्ट कीजिए, देखिए मुझे एक दाना भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, अच्छे से पेस्ट कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको छलना है तो आप एक कपड़े के सहारे या फिर एक छलनी के सहारे इसको छल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है नहीं चाहिए। और टमाटर का जो विटामिन है वो उसको आपके स्किन पर लगना चाहिए, जो टमाटर का जो काम है उसका पूरे अच्छे से आपके स्किन पर मिलना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही रखूँगी, क्योंकि मेरा पूरा ऑलरेडी पेस्ट मिक्सचर है, देखिए
भी एक भी दाना आपको दिखाई नहीं दे रहा, पूरा मिक्स्ड है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हनी जो है, मैंने जो हनी लिया था एक चम्मच, आप उस हनी को यहाँ पे आपको मिक्स्ड कर देना है। उसके बाद मैंने जो नींबू लिया था उस नींबू को यहाँ पे अच्छे से, नींबू का जो रस है वो आप पूरे अच्छे से मिला लीजिए, ताकि जितने भी नींबू आपने लिया है पूरा अच्छे से इसमें लग जाए। पहले इसको नींबू को निचोड़ लीजिए, ठीक है। नींबू को निचोड़ने के बाद आप चम्मच के सहारे इसको अच्छे से पेस्ट कीजिए, ओके। सो गाइस, मैंने ऑलरेडी इसको मिक्स कर लिया है, आप उसको अच्छे से मिक्स कीजिए, और आप उसको तुरंत ना लगाए, कम से कम 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दें, ताकि जो भी मिश्रण आपने किया है वो अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप इसको ढक के रख दीजिए। आप इसको 5 मिनट के बाद लगा सकते हैं, उसको आपके पास अगर फ्रिज है तो आप उसको रख दीजिए, आप 2-3 दिन तक भी लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नई नई चीज़ें स्किन के लिए आप इस्तेमाल करें, तो आप उसको 1 दिन के लिए ही बनाएं, ठीक है। तो मैं टुमारो तक बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। और एंड गाइज, आई एम श्योर इसका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा आएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, ओके बाय गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ, आने वाली दिवाली के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।